हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं एक कमाल का स्केटबोर्ड। ये देख सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फुल साइज स्केटबोर्ड। आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में लिख रहे थे कि यार एक फुल साइज स्केटबोर्ड लाने के लिए, तो दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं यहां पर ला लिया हूं एक मेड इन इंडिया पूरी तरीके से फुल साइज स्केटबोर्ड। तो दोस्तों देख सकते हो, इस स्केटबोर्ड के साथ मैंने एक हेलमेट भी बाय किया है और नी पैड्स भी बाय किए हैं। मैंने अभी तक एल्बो वाले पैड्स बाय नहीं किए हैं, उसे भी मैं बाद में मंगवा लूंगा। तो दोस्तों चलिए, अभी मैं आपको पहले इस स्केटबोर्ड के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पर ऊपर देख सकते हो, यार एंटी स्किड स्टिकर चिपकाया हुआ है ताकि आपका पैर वगैरह फिसले नहीं इसके ऊपर से। बहुत ही कमाल की क्वालिटी है यार, देख सकते हो एकदम जबरदस्त टेक्सचर आया हुआ है यहाँ पर, एकदम जबरदस्त दिख रहा है। तो नीचे भी दिखा देता हूँ गाइस, बहुत भारी है यार ये स्केटबोर्ड। तो नीचे देख सकते हो दोस्तों, एकदम कमाल की ग्राफिटी की गई है। वाह यार, मजा आ गया, एकदम जबरदस्त डिजाइन है। यहाँ पर नीचे कुछ स्क्रैच वगैरह भी लग जाएंगे तो गाइस इस ग्राफिटी के वजह से बिल्कुल भी वो स्क्रैचेस नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पर इसके व्हील्स की भी क्वालिटी आप देख सकते हो, एंटी स्किड व्हील्स दिए गए हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी वाली बेयरिंग्स भी यूज की गई है इन व्हील्स के अंदर। और दोस्तों इस बोर्ड को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ही टॉप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो, इसे होल्ड करने के लिए इस तरह की ग्रिप भी दी गई है ताकि हम इस तरह से होल्ड कर सके इस बोर्ड को। तो वाह भाई गाइस, इस तरह का बोर्ड तो मैंने आज तक नहीं देखा यार, एकदम कमाल का बोर्ड है ये गाइस। इसे मैंने कहाँ से परचेज किया है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों जैसे आप सभी को याद होगा, मैंने पिछली बार भी एक जैस्पो का पेनी बोर्ड दिखाया था आपको, तो वो बोर्ड बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था गाइस। नीचे कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि मैं वो बोर्ड कहाँ से परचेस किया था, तो चलिए वो बोर्ड भी बता देता हूँ मैंने कहाँ से परचेस किया था, और ये वाला बोर्ड भी मैंने कहाँ से परचेस किया था आपको बता देता हूँ। ये रही दोस्तों वेबसाइट skateboardjaspo.com। आप यहां पर आकर इस वाले स्केटबोर्ड को बाई कर सकते हो और इस हेलमेट को भी बाई कर सकते हो और इन नी पैड्स को भी बाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो, यहाँ पर इसी तरह का मैंने ग्रीन कलर वाला पेनी बोर्ड आपको पिछली बार बताया था, तो उस बोर्ड को भी मैंने यहीं से बाय किया था। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा व्हील्स भी मिल जाएंगी। कितने टाइप्स के बोर्ड्स अवेलेबल है यहाँ पर, नी पैड्स है, एल्बो पैड्स है, इतने तरह तरह के हेलमेट्स है। वाह यार, बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट लगी मुझे ये। तो यहाँ पर आपको हर प्राइस रेंज में स्केटबोर्ड्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर। वाओ अमेजिंग यार। तो गाइस आप इसे बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वेबसाइट का, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। पूरी तरीके से मेड इन इंडिया वेबसाइट है गाइस, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है। तो ये हेलमेट की भी क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों बहुत ही मजबूत हेलमेट है यार, बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बनाया गया है ये हेलमेट। और दोस्तों ये देख सकते हो, ये रहे नी पैड्स, और इसकी भी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो आराम से 5-6 साल चल जाएंगे गाइस ये नी पैड्स भी आपके पास। यहाँ पर देखो कितनी जबरदस्त कुशनिंग दी गई है और यहाँ पे लिखा है जैस्पो। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इस बोर्ड को नीचे चलाकर टेस्ट भी कर लेते हैं, देखते हैं ये बोर्ड किस तरह से काम करता है। लेट्स गो।
तो दोस्तों इसे टेस्ट करने के बाद अभी मैं मेरा ओपिनियन आपको बताने वाला हूं। यार ये बोर्ड बहुत ही मक्खन की तरह स्मूथ तरीके से चलता है। आपने देखा होगा यार, मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल स्केटबोर्डर नहीं हूं, पर मुझे थोड़ा थोड़ा स्केटबोर्ड चलाना आता है गाइस। वो भी मैंने नहीं चलाया था, मेरे छोटे भाई ने आपको चलाकर दिखाया था। वो भी अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा है स्केटबोर्डिंग। तो गाइस आप अगर इसे बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अभी दे देंगे शाउट आउट। जैसे आप सभी को पता ही होगा, हमारे चैनल पर जो भी अच्छे कमेंट करते हैं और हमारी वीडियोस पर लाइक करते हैं उन्हें देते हैं हम शाउट आउट। तो चलिए दे देंगे शाउट आउट। तो ये देख सकते हो दोस्तों, कल मैंने दो वीडियोस डाली थी। पहली वीडियो थी हमारी पबजी एंड फ्री फायर रियलिस्टिक शॉट गन, दूसरी वीडियो थी मैकेनिक्स मॉन्स्टर बग्गी किट। दोस्तों अगर आपने ये दोनों भी वीडियोस नहीं देखी है तो यार जाकर जरूर से देख लेना, बहुत ही कमाल की वीडियोस है यार दोनों ही। तो इन दोनों ही वीडियोस में से मैंने 30 लोगों के नाम पिक किए हैं, तो उनके नाम अभी हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहला नाम आ जाता है धीरज नंदकार, जय किशन गुप्ता, शुभम यादव, शिवा, बंकिम कुमार, रेमान श्रेष्ठा, सागनिक नंदी, रोहित गेमिंग, एहसान बासु, मनीषा सिंह, संपा वर्धन, श्वास अरोरा, संस्कृति प्रकृत, हसीम पोडार, पंकज बैरागी, उमर बिन खालिद, दीपांजन विश्वास, रुद्रनील घोष, राज सिंह, धर्मेंद्र सोनी, निश्चन कुमार, रमनदीप सिंह, अक्षत सिंह, निहार रंजन मुंडाल, बीना रॉय, दिव्यम जैन, आबिद बाबा, मिक्की कुमारी, तनिष कपूर। थैंक यू दोस्तों इतने जबरदस्त कमेंट करने के लिए आप लोगों का। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो मैं लूं आपका नाम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो यार जरूर से इस वाली वीडियो पर कर देना लाइक, नीचे कर देना कमेंट। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट और एक वीडियो में कुछ नए और धमाकेदार प्रोडक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।